हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी रूल्स। टुडे वी डिस्कस व्हाई पेट्री प्लेट इंक्यूबेट ड्यूरिंग इनवर्ट पोजीशन। हम पेट्री प्लेट को इनवर्ट पोजीशन में क्यों रखते हैं ड्यूरिंग इंक्यूबेशन के टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन प्लेट्स आर इंक्यूबेट इन नॉर्मल पोजीशन, वाटर इवेपोरेशन फ्रॉम मीडिया अकर्स। व्हेन प्लेट को यदि हम नॉर्मल पोजीशन में इंक्यूबेट करेंगे तो उसमें से क्या होगा कि वाटर इवेपोरेट होगा। ओके, दीज वेपर कंटेंस ऑन द लीड ऑफ द पेट्री प्लेट एंड ड्रॉप फॉल्स ऑन द कॉलोनीज ऑफ मीडिया। ये जो वेपर जो जनरेट होंगे इवेपोरेशन के कारण, यह क्या होंगे, लीड पे कंडेंस होंगे। लीड पे कंडेंस होने के बाद यह पेट्री प्लेट पे फॉल होंगे, जो उस पर कॉलोनी ग्रो करेगी। मीडिया पे जो कॉलोनी ग्रो करेगी उस पर फॉल्स होंगे। फॉल्स होने के रीजन के बाद दिस कॉज कॉलोनी मिक्सअप विद ईच अदर एंड स्प्रीड थ्रू आउट द प्लेट। यदि ये जो वाटर के ड्रॉप हैं मीडिया सरफेस पे अगर गिर गए, ओके, मीडिया सरफेस पे गिरने के बाद ये थ्रू आउट द सरफेस, मतलब कि जो मीडिया का सरफेस है उस पर पूरी तरह फैल जाएंगे। फैलने से क्या होगा कि प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल काउंट, तो अच्छी तरीके से हम जो माइक्रोबियल काउंट करेंगे, जो कॉलोनी ग्रो होने के बाद माइक्रोबियल का काउंट करते हैं, वो अच्छी तरीके से हम काउंट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड रीज़न हमारा यह है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मीडिया कैन कॉज ड्राइनेस एंड दैट कैन अफेक्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ। यदि इवेपोरेशन ऑफ वाटर मीडिया में जो वाटर का कंटेंट है इवेपोरेट हो जाएगा तो मीडिया क्या हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा। ड्राइनेस होने के बाद माइक्रोबियल जो माइक्रोब्स होंगे उसमें अच्छी तरह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन प्लेट्स आर इंक्यूबेट इन ए इनवर्ट पोजिशन द रेट ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज दैट रिजल्ट इन प्रॉपर माइक्रोबियल ग्रोथ। इसलिए हम प्लेट को क्या करते हैं, इनवर्ट पोजिशन में इंक्यूबेट करते हैं। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज हो जाता है। यदि हम प्लेट को इनवर्ट पोजिशन में इंक्यूबेट करेंगे तो जो वाइब्रेशन का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के बाद प्रॉपर माइक्रोबियल ग्रोथ, मतलब अच्छी तरह से माइक्रोब का जो ग्रोथ होगा वो हो पाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।